आइए पीछे। थैंक यू प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल सेंट्रल गुप्ता मैम, सुषमा मैम, सुषमा मैम काफी बार हमारे साथ एसोसिएट रही है कोई छोटे मोटे बच्चों की प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में। एसएचओ कटरा फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया अरुण शुभम आशीष और जितने भी साथी हमारे साथ आए हुए हैं, मेरा स्टाफ और प्यारे बच्चों, आज का आपके स्कूल में आना एक मकसद है। मैंने मैम को कल ही फोन किया और मैम ने बड़े शॉर्ट नोट उसके लिए भी चैलेंज आया। तो इन दैट सेंस दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस और इससे हमें कैसे निपटना है इसके लिए हम सबको मिलकर अपना अपना रोल प्ले करना होगा, कॉमन स्ट्रेटेजी बनानी होगी, तभी जाके हम इससे जो है अपने आप को बचा पाएंगे। में पढ़ चुके हैं तो मैं चाहती हूँ ऐसे कार्यक्रम ऐसे प्रोग्राम हमारे स्कूल में एसपी साहब रखें ताकि हमारे बच्चों को ये जो आज प्रोग्राम हुआ था नो ड्रग्स और ड्रग एडिक्शन के लिए, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था और इवन कि हम चाहते हैं कि बार बार सर यहाँ पर आएँ और इसके बारे में बच्चों को नॉलेज दें। एक्चुअली हमारे स्कूल में इस समय 11, 12 के बच्चे होते हैं, यंगेस्ट हैं, उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है कि क्या लेना है और कब लेना है कैसे लेना है। तो सर ने हमें बहुत ही डिटेल में इस चीज़ के बारे में जानकारी दी थी और मुझे लगता है कि बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हम यही आशा करते हैं कि सर दोबारा कभी आएँ और दोबारा इस तरह के कोई ना कोई इवेंट्स यहाँ पर होते रहें ताकि हमारे बच्चे उनसे रूबरू हों और एक जो पुलिस और एक बच्चों के बीच में जो खौफ है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि अपनी क्लासेस में बच्चों को इसके बारे में जानकारी देते हैं, इवन कि मैं तो हर एक क्लास में जो मेरी क्लासेस होती हैं चाहे 11th की हो तो मैं इनको तो बहुत सारे एग्जांपल्स दे के समझाती हूँ कि हमें ड्रग्स नहीं लेना चाहिए और इनसे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और असेंबली में भी हमारे में एक्चुअली गाइडेंस एंड काउंसलिंग हमारा एक सेशन चलता है और हर मंथली हमें उसकी रिपोर्ट देनी पड़ती है तो उसमें समटाइम्स हमें वो टॉपिक्स दिए जाते हैं जैसे ड्रग है या कुछ और रिलेटेड, मतलब बच्चों से रिलेटेड होते हैं तो हम वो देते रहते हैं बच्चों को। लेकिन जो ये पुलिस के द्वारा जो इंटरेक्शन होना है ये एक अलग बात है और बच्चों के अंदर जो एक जागरूकता आई है और हम यही चाहते हैं कि सर इसके लिए और ज़्यादा एफर्ट्स लाएँ और 2-3 महीने में ऐसे ज़रूर कोई ना कोई प्रोग्राम्स करते रहें। प्रोग्राम अच्छा था, हर जगह होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर अवेयरनेस होगी तभी तो लोगों को पता लगेगा कि ड्रग अब्यूज़ बहुत बुरी बात है और अगर हमारी आसपास की सोसाइटी में अगर हमें कोई भी दिखता है कि कोई ड्रग यूज़ कर रहा है या फिर उसकी तरफ जा रहा है हमें उनको अवेयर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ऐसा नहीं करना है। और जहाँ तक रही ये बात तो बैको वगैरह की बात, सिगरेट वगैरह, इनको तो बिल्कुल बैन ही कर देना चाहिए ना, इनकी वजह से भी तो होता है। और आप अभी देखिए, जैसे आप जानते हैं कि आज हमने कटरा पुलिस ने हायर सेकेंडरी स्कूल पैंथर में जो है ड्रग्स का एक छोटा सा एक अवेयरनेस का एक प्रोग्राम रखा जिसमें काफ़ी 350 से 400 बच्चों को हमने जो है वो ड्रग्स की अवेयरनेस थोड़ा सा उनको जागरूक किया। उसके बड़े सारे कारण हैं, ड्रग्स में आजकल स्ट्रेस लेवल है, बच्चों की पढ़ाई का स्ट्रेस है, प्लस उनकी सोसाइटी, उनके आगे पीछे के जो हैं फ्रेंड सर्कल्स, प्लस फैमिली हिस्ट्री और बड़े सारे फ्रेंड्स प्रेशर, तो ये बड़े सारे कारण होते हैं जो बच्चे जो हैं ड्रग्स की तरफ जो है आसानी से चले जाते हैं। तो आज का जो हमारा मकसद था सभी बच्चों को जो है ड्रग्स के बारे में जानकारी देना प्लस उन्हें अलर्ट करना कि ड्रग्स से जो है ड्रग्स का सेवन करने से डायरेक्टली जान जाती है और पूरी फैमिली, पूरी सोसाइटी और पूरा नेशन सफ़र करता है। तो सभी बच्चों ने जो है हमारी बातों को अच्छे से सुना और उन्होंने प्लेज लिया कि हम इस ड्रग्स की जो लड़ाई है इस लड़ाई में पुलिस का साथ देंगे, पूरी सोसाइटी में जो है एक अच्छा मैसेज फैलाएंगे और सभी अपने छोटे बड़ों को इसकी जानकारी देंगे। जब भी बच्चा कोई अननेचुरल बिहेवियर करता है जैसे उसे अपनी रूटीन छोड़ देता है, वो खेलता था 2-3 घंटे उसने खेलना छोड़ दिया और जैसे लेट नाइट जो है हमारे स्कूल में ये जो आज अवेयरनेस कैंप लगाया गया था जो ये हमारे रेगुलर होना चाहिए, इधर कोई मंथली, मंथ में कोई दो या फिर एक, अगर मंथ में नहीं हो सकता तो कम से कम कि तीन महीने में एक बार होना चाहिए क्योंकि ये हमारे जो इस अभी नेशन बिल्डर्स हैं जो उनके करियर्स पे बड़ा इफेक्ट डाल, अगर हम ड्रग्स लेंगे तो हमारी जो आगे हमारी जो नेशन है उस पे हमारा इफेक्ट पड़ रहा है, जो बच्चे ड्रग्स लेते हैं आगे जाके उनकी जो डेथ हो जाती है वगैरह, अगर वो ड्रग्स नहीं लें क्या पता आगे जाके वो करियर अपना अच्छा बना सकें।